हम जानते हैं कि हमारे साथ बहुत से लोगों ने भी संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते शायद दुनिया में भी नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ जो भी मिलता है, बहुत से लोगों को बिना मेहनत से, बहुत से लोगों को विरासत के रूप में भी बहुत चीजें मिल जाती है और बहुत से लोगों को तो ईश्वर की कृपा से मिल जाता है, भाग्य से मिल जाता है और बहुत से लोगों को बहुत कुछ जो भी मिलता है मेहनत से मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करते करते जीवन निकल जाता है और कुछ नहीं प्राप्त होता। ऐसे लोग भी मेरे साथी हैं, बहुत से लोग हैं, मैंने तो देखा है, ऐसे जिले में भी देखा, विदेश में भी देखा है। लेकिन हम तो इसने बस यही कहेंगे, वैसे तो एकता में बहुत कुछ ताकत होती है और हम जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता संघर्ष भी करना चाहते हैं, संघर्ष भी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो बस सब लोगों का जो आशीर्वाद है, जो बधाई दे रहे हैं, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आज कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन हम तो शुरू से ही चाहते थे कि ये एकता रहे, पार्टी में एकता रहे और हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हम बहुत से लोगों को कुछ नहीं कर पाए, वो भी आज हमारे साथ है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ है, किया भी है, वो हमारे साथ नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमें तो समाज की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। इटावा जनपद आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हमें राष्ट्र आगे बढ़े, हम तो ये चाहते हैं। और जो भी आपका हुक्म होगा, जो भी आप लोगों का आदेश होगा, अभी तो केवल 62 साल पार हुए, अभी तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब जब हमने चाहा है तब हम सरकार में आए और जिस दिन हम चाहेंगे हम सरकार में होंगे, संघर्ष के बल पर होंगे, आप लोगों के संघर्ष के बल पर आए हम सरकार में होंगे। ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान। बस इतने जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आपने मुझे बधाई दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज बसंत पंचमी के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने जीवन में सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।